हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ की सीरीज़ में हम मॉक टेस्ट देख रहे थे और हम इससे पहले दो मॉक टेस्ट अपने कवर कर चुके हैं। दो मॉक टेस्ट कवर कर लिए हमने, आज हमारा ये तीसरा मॉक टेस्ट है। पिछले मॉक टेस्ट की तरह इस मॉक टेस्ट में भी हमने जीएस के पार्ट को इंक्लूड किया है, साथ ही जीएस के साथ साथ हमने करंट अफेयर्स के कुछ पार्ट्स को इंक्लूड किया है और साथ ही हमने इसमें अकाउंट्स और इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस के पार्ट्स को इंक्लूड किया है। तो बहुत से जीएस सामान्य अध्ययन का जो हमने पोर्शन इसमें इंक्लूड किया है, क्वेश्चंस जो हमने सेट किए हैं, उसमें हमारे सभी जीएस सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि हमारा हिस्ट्री जिसमें एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों शामिल हैं, वो भी इसमें इंक्लूड है। साथ ही ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस इंक्लूड हैं, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, इसी तरह हमारे पॉलिटी के और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बहुत से बच्चे जो ये स्टूडेंट्स ये कमेंट कर रहे थे कि इस ईपीएफओ के सिलेबस में ज्योग्राफी इंक्लूड नहीं है, एंशियंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री इंक्लूड नहीं है, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि हमारा पर्सपेक्टिव इस मॉक टेस्ट को बनाने का सिर्फ हमारा टारगेट यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम ही नहीं है, बल्कि उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये बेनिफिशियल है समान रूप से, जिन एग्ज़ाम्स में सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सामान्य अध्ययन का एक महत्वपूर्ण वेटेज रहता है, जैसे कि स्टेट सर्विस एग्ज़ाम या यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। यूपीएससी सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम्स होता है आईएएस का, उसमें भी समान रूप से उपयोगी ही रहेगा, क्योंकि 27 जून को यूपीएससी सिविल सर्विसेज का भी प्री एग्ज़ाम है और इसी तरह 30 जून को यूपीपीसीएस का प्री एग्ज़ाम है। तो ये समान रूप से सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में जिसमें सामान्य अध्ययन का पोर्शन पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज के लेक्चर में हमने 45 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, जिसमें हमने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, अकाउंट्स और इंडस्ट्रियल, लास्ट में हमने अकाउंट्स और इंडस्ट्रियल रिलेशन के क्वेश्चंस को कवर किया है। तो पिछले मॉक टेस्ट की तरह ये सारे आने वाले मॉक टेस्ट भी सारे ही बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद तुगलक के काल के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीरियड ऑफ मोहम्मद तुगलक। स्टेटमेंट वन, गांवों के मुखिया मुकद्दम कहलाते थे। द चीफ ऑफ द विलेजेस वर कॉल्ड मुकद्दम। स्टेटमेंट टू, छोटे भूस्वामी खुद कहलाते थे। द स्मॉल लैंड होल्डर्स वर कॉल्ड खुद। स्टेटमेंट थ्री, हिंदू स्वायत्त राजा राय कहलाते थे। द हिंदू ऑटोनोमस किंग वॉज कॉल्ड रॉय। ऑप्शन ए, केवल एक और दो। ऑप्शन बी, केवल तीन। ऑप्शन सी, केवल दो। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आई होप आपने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो कामों के मुखिया इसमें मुकद्दम कहलाते थे सल्तनत पीरियड में, और छोटे भूस्वामी खुद कहलाते थे, और हिंदू स्वायत्त राजा राय कहलाते थे। ये सारा सल्तनत मोहम्मद तुगलक के काल में पीरियड, मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड का के समय इनको इस नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, सल्तनत काल में भारतीय व्यापार के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन ट्रेड इन द सल्तनत पीरियड। स्टेटमेंट वन, पश्चिम एशिया से भारत कच्चे रेशम का आयात करता था। इंडिया यूज टू इम्पोर्ट रॉ सिल्क फ्रॉम वेस्ट एशिया। स्टेटमेंट टू, चीन से भारत कांच के सामानों का आयात करता था। इंडिया यूज टू इम्पोर्ट ग्लास गुड्स फ्रॉम चाइना। स्टेटमेंट थ्री, अफ्रीका से भारत हाथी दांत का आयात करता था। इंडिया यूज टू इम्पोर्ट एलिफेंट टीथ फ्रॉम अफ्रीका। ऑप्शन ए, केवल एक। ऑप्शन बी, दो और तीन। ऑप्शन सी, केवल तीन। या ऑप्शन डी, केवल दो। उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल तीन। पश्चिम एशिया से भारत कांच के सामानों और घोड़ों का, चीन से कच्चे रेशम और चीनी बर्तन तथा अफ्रीका से भारत हाथी दांत का आयात करता था। सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट ही इसमें सही है। इंडिया इम्पोर्टेड ग्लास गुड्स एंड हॉर्स फ्रॉम वेस्ट एशिया। कांच के सामान का और घोड़ों का आयात पश्चिम एशिया से किया जाता था, और कच्चे सिल्क का और चीनी के बर्तनों का आयात चाइना से किया जाता था, और एलिफेंट टीथ का आयात अफ्रीका के देशों से किया जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पानीपत का प्रथम युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध,
चौथा है हल्दी घाटी का युद्ध। तो आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है, यानी कि जो पहले हुआ है इवेंट उसको पहले, और इसी तरह बढ़ते बाद के क्रम में इसको सेट करना है। तो इसका सही आंसर है 1, 2, 3, 4। ये ऑटोमेटिकली ही सारे सही क्रम में ही व्यवस्थित है, यानी कि पहला पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया है। फिर है बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी, और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नवपाषाणकालीन स्थल दे रखे हैं एक साइड, और दूसरी साइड उनका स्थान, एक साइड न्यूलिथिकल न्यूलिथिक साइट्स हैं और दूसरी तरफ स्थान है कि वो न्यूलिथिकल साइट्स कहाँ किस स्थान पर आधुनिक समय में किस स्थान पर खोजी गई। मेहरगढ़ पाकिस्तान में, बुर्जहोम कश्मीर, कोल्डेवा उत्तर प्रदेश, और पेयमपल्ली कर्नाटक। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पेयमपल्ली कर्नाटक में स्थित ना होगा, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, सॉरी तमिलनाडु में स्थित है। पेयमपल्ली साइट इज लोकेटेड इन मॉडर्न तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित, कौन सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एक साइड है महाजनपद, दूसरी साइड आधुनिक राज्य। महाजनपदास थे, उनका आधुनिक समय में क्या नाम है। अंग बिहार, मगध बिहार, वज्जी बिहार, और वत्स बिहार। आपको बताना है ये सारे महाजनपद आधुनिक समय में किस राज्य में स्थित थे, क्या ये जोड़े सही सुमेलित हैं या नहीं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, वत्स बिहार। वत्स महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद व मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मथुरा शैली के संबंध में सही कथन चुनिए। आपको पता होगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एंशियंट हिस्ट्री में और मेडिवल हिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर से लिंक होते हैं, आर्ट एंड कल्चर पर बेस्ड होते हैं। तो इसलिए हमने आर्ट एंड कल्चर के एक दो क्वेश्चंस को भी इसमें ऐड किया है। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मथुरा स्टाइल। स्टेटमेंट 1, इस शैली का विकास 1 से 3 शताब्दी ईसा पूर्व के बीच हुआ था। दिस स्टाइल वॉज डेवलप्ड बिटवीन द 1st and 3rd centuries BC। स्टेटमेंट 2, इस शैली का विकास रामगंगा नदी के किनारे हुआ था। द स्टाइल वॉज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ रामगंगा रिवर। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1, इस शैली का विकास 1 से 3 शताब्दी ईसा पूर्व के बीच हुआ था, जो कि पहले स्टेटमेंट में दिया हुआ है, और इस शैली का विकास यमुना नदी के किनारे हुआ था, ना कि रामगंगा नदी के किनारे। द स्टाइल वॉज डेवलप्ड बिटवीन द 1st and 3rd century BC। दिस स्टाइल वॉज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था, मतलब किस समय कब आया था, जहांगीर के दरबार में कब आया था। बैंडिट थॉमस रो केम टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर। ऑप्शन ए 1602, ऑप्शन बी 1605, ऑप्शन सी 1610, या ऑप्शन डी 1615। उसका सही आंसर है, बहुत इजी सा क्वेश्चन, एकदम फैक्चुअल, ऑप्शन डी 1615 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक साइड घटनाएं इवेंट्स हैं और दूसरी साइड उनके वर्ष। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इवेंट्स दे रखे हैं और दूसरी साइड उनका ईयर दे रखा है। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, इलाहाबाद की संधि 1775 ईस्वी, और बंगाल में द्वैत शासन डायार्की इन बंगाल 1765 से 72 ईस्वी में। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इलाहाबाद की संधि 1775, जबकि ये इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद वॉज साइंड इन 1765। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने खालसा दल की नींव रखी। आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ गुरु गोविंद सिंह, महाराजा रणजीत सिंह लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा दल।
स्टेटमेंट टू, रणजीत सिंह सुगर चाकिया मिसल से संबंधित है। रणजीत सिंह बिलोंग टू सुगर चाकिया मिसल। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। आई होप आपने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल दो। गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद फैजुल्लापुर के कपूर सिंह ने खालसा दल की स्थापना की थी, और स्टेटमेंट में क्या बताया हुआ है कि महाराजा रणजीत सिंह ने खालसा दल की स्थापना की थी, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है। फैजुल्लापुर के कपूर सिंह ने खालसा दल की नींव रखी और रणजीत सिंह सुकर चाकिया मिसल से ही संबंधित थे। आफ्टर द असासिनेशन ऑफ गुरु गोविंद सिंह, कपूर सिंह ऑफ फैजुल्लापुर लेड द फाउंडेशन ऑफ द खालसा दल, रणजीत सिंह बिलोंग टू द सुकर चाकिया मिसल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आंगल नेपाल युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ एंग्लो नेपाल वार? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, या ऑप्शन डी लॉर्ड लिनलिथगो। तो उसका सही आंसर एकदम फैक्चुअल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स। आंगल नेपाल युद्ध 1814 ईस्वी में हुआ था तथा लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि पहले से बाद के क्रम में, जो पहले घटना हुई उसे पहले व्यवस्थित करना है और उसके बाद बढ़ते क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। प्रथम आंगल मराठा युद्ध, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध, प्रथम आंगल सिख युद्ध। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, थर्ड एंग्लो मैसूर वार और फर्स्ट एंग्लो सिख वार। ऑप्शन ए 1 2 3, या ऑप्शन बी 2 1 3, ऑप्शन सी 3 1 2, या ऑप्शन डी 3 2 1। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 2 3। ये तीनों ही सही सुमेलित है, मतलब सही क्रोनोलॉजी में ही है। प्रथम आंगल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी में हुआ था, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध, थर्ड एंग्लो मैसूर वार का हुआ 1790 से 1792 ईस्वी में, और प्रथम आंगल सिख युद्ध फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845 से 46 ईस्वी में गठित हुई थी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रामोसिस विद्रोह के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रामोसिस रिवोल्ट। ये विद्रोह 1822 में हुआ था, दिस रिबेलियन या दिस रिवोल्ट टुक प्लेस इन 1822। स्टेटमेंट टू, इसका नेतृत्व चित्तूर सिंह द्वारा किया गया था, इट वॉज हेडेड बाई चित्तूर सिंह। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। जिन स्टेटमेंट्स, जिन क्वेश्चंस के दोनों स्टेटमेंट्स या जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो ठीक होते हैं, तो ऐसे आंसर्स में हम एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। ये हमने आपको पहले भी बताया था, तो इसलिए हमने इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, क्योंकि उसका आंसर ही अपने आप में एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से सही कथन चुनिए। स्टेटमेंट वन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट वन, 1833 के चार्टर अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। यहाँ से हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट टू, लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है? इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ ज्यूडिशियल रिव्यू हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, या ऑप्शन डी जापान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद इत्यादि अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स, द इंडिपेंडेंस ऑफ द ज्यूडिशरी, द डॉक्ट्रिन ऑफ ज्यूडिशियल रिव्यू, द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एटसेट्रा हैव बीन टेकन फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्रों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन हाउ मेनी कैटेगरीज द इंडियन टेरिटरी हैज बीन डिवाइडेड? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1, इंडियन टेरिटरी कैन बी डिवाइडेड इन टू 3 कैटेगरीज, राज्यों के क्षेत्र यानी कि एरिया ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स जो हैं हमारे, फिर है दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज, और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, एरियाज विच कैन बी एक्वायर्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से सही कथन चुनिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, अनुच्छेद 33 मार्शल लॉ से संबंधित है, आर्टिकल 33 डील्स विद मार्शल लॉ। अनुच्छेद 34 सशस्त्र बलों के अधिकारों से संबंधित है, आर्टिकल 34 डील्स विद द राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं। ये दोनों ही ऑप्शन हमने दोनों ही स्टेटमेंट को शफल कर दिया है, यानी कि अनुच्छेद 33 में हमने जो प्रोविज़न लिख दिया है वो अनुच्छेद 34 का लिख दिया है, अनुच्छेद 34 का, और अनुच्छेद 34 में जो प्रोविज़न हमने ऐड किया है कर दिया है वो अनुच्छेद 33 का ऐड कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों के अधिकारों से संबंधित है और अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा अधिकार केवल नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज ऑनली फॉर सिटीजन्स एंड नॉट फॉर फॉरनर्स? ऑप्शन ए लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन बी चुनाव में मतदान का अधिकार, राइट टू वोट इन इलेक्शंस। ऑप्शन सी सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि की योग्यता रखने का अधिकार, द राइट टू होल्ड पब्लिक पोजिशन सच एज द क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एटसेट्रा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ये सारी ही योग्यताएं, ये सारे ही अधिकार नागरिकों के लिए हैं, ना कि विदेशियों के लिए, क्योंकि आप इसी से ही समझ सकते हैं चुनाव में मतदान का अधिकार केवल भारतीय नागरिक ही भारत में होने वाले चुनावों में मतदान कर सकता है। इसी तरह सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसकी योग्यता रखने का अधिकार और इन पदों का पदासीन होने का अधिकार भी केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 25। स्टेटमेंट 1, धर्म को मानने का अधिकार, राइट टू प्रैक्टिस द रिलीजन। स्टेटमेंट 2, धर्म के प्रसार का अधिकार, राइट टू स्प्रेड द रिलीजन। स्टेटमेंट 3, धर्म के आचरण का अधिकार, राइट टू कंडक्ट द रिलीजन। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3 या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं, पहला है धर्म को मानने का अधिकार यानी कि राइट टू प्रैक्टिस द रिलीजन, धर्म के प्रसार का अधिकार राइट टू स्प्रेड द रिलीजन, धर्म के आचरण का अधिकार राइट टू कंडक्ट द रिलीजन, और धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ कंसाइंस ऑफ रिलीजन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? अब ये अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, हालांकि पॉलिटी से रिलेटेड तो है ही, पॉलिटी में ही जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स हैं वो राज्य को नीति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य को निर्देश देते हैं कि आपको अपनी पॉलिसी इस तरह बनानी है कि उस राज्य के लोगों के हित में, सार्वजनिक हित में बनाई जाए, ना कि किसी एक पर्टिकुलर या किसी एक इंडिविजुअल के हित में, वो सार्वजनिक हित में हो। इसलिए आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर भी बहुत ध्यान दें, क्योंकि ईपीएफओ के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन सोशल सिक्योरिटी से जो पूछे जाएंगे वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटी से भी लिंक करके पूछ लिए जाएँ, क्योंकि पॉलिटी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो पार्ट है वो काफ़ी हद तक सोशल सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को 3 भागों में बांटा गया है, एक तो गांधीवादी सिद्धांत है, फिर समाजवादी सिद्धांत है, फिर उदारवादी
सिद्धांत है जो लिबरल प्रिंसिपल से, फिर गांधीवादी जो गांधीयन प्रिंसिपल से जो कि सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इसी तरह समाजवादी सिद्धांत जो जो समाजवादी सिद्धांत जो सोशल प्रिंसिपल से, वो भी सोशल सिक्योरिटी के ही दायरे में आते हैं। तो आप इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आर्टिकल बाय आर्टिकल, आर्टिकल जैसे मैंने आपको बताया था 51 तक बिल्कुल टिप पर याद होने चाहिए, और स्पेशली 12 to 35 ये तो एकदम टिप पर होने ही चाहिए आपको। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 39, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 39 का यानी कि आर्टिकल 39A, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 41। तो किस अनुच्छेद के तहत गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है? ए प्रोविजन हैज़ बीन मेड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी अनुच्छेद 39 का आर्टिकल 39A, गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है, विधिक सहायता का, लीगल एड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से सही कथन चुनिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट वन, मूल कर्तव्यों को 1976 में सुवर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ सुवर्ण सिंह कमेटी इन 1976। स्टेटमेंट टू, सुवर्ण सिंह समिति ने 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए सिफारिश की थी। सुवर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेड टू एड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। सुवर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। सुवर्ण सिंह कमेटी सजेस्टेड द एडिशन ऑफ 8 फंडामेंटल ड्यूटीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से सही कथन चुनिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ से हमारे ज्योग्राफी का पार्ट शुरू हो जाता है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। स्टेटमेंट वन, ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधी असंबद्धता कोनराड असंबद्धता कहलाती है। डेंसिटी डिसकंटिन्यूटी बिटवीन अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट इज कॉल्ड कोनराड डिसकंटिन्यूटी। इस डिसकंटिन्यूटी के बारे में हमने पिछले मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन एक सॉल्व किया था। स्टेटमेंट नंबर टू, क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। द क्रस्ट इज फॉर्म फ्रॉम सिलिका एंड एल्यूमिनियम। बिल्कुल क्वेश्चन जो है ये हमारा डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है, एनसीईआरटी पर ही बेस्ड है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। पृथ्वी का क्रस्ट को सियाल यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम परत भी कहा जाता है, और ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच जो डेंसिटी चेंज होती है उस डिसकंटिन्यूटी को कोनराड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एक साइड है ज्वालामुखी वॉल्केनो, और दूसरी साइड देश। आपको बताना है कि कौन सा ज्वालामुखी उसके सुमेलित किए हुए देश में लोकेटेड नहीं है। पहला है ऑप्शन ए मोनालोआ हवाई द्वीप समूह, ऑप्शन बी कोटोपैक्सी इक्वाडोर, ऑप्शन सी विसुवियस इटली, या ऑप्शन डी इरेबस हवाई आइलैंड हवाई द्वीप समूह। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इरेबस हवाई द्वीप समूह। इरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका में स्थित है, अंटार्कटिका में स्थित है, ना कि हवाई आइलैंड में। और हवाई आइलैंड कहाँ स्थित है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हवाई आइलैंड किस ओशियन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा नदियों का निक्षेपात्मक स्थल रूप का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डिपोजिशनल टोपोग्राफी ऑफ रिवर्स। ऑप्शन ए वी आकार की घाटी यानी कि वी शेप्ड वैली, ऑप्शन बी जलप्रपात वाटरफॉल, ऑप्शन सी संप्राय मैदान फ्लड प्लेन्स, या ऑप्शन डी जलोढ़ पंख एलुवियल फेंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जलोढ़ पंख। शेष तीनों प्रकार नदियों के अपरदनात्मक स्थल रूपों का उदाहरण है। अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ कैसे बनती हैं? जब कटाव करता है, जब नदियाँ कटाव करती हैं तो अपरदन करती हैं, और जब निक्षेपण करती हैं तो निक्षेपणात्मक, जब वहाँ अपने मलबे को बाहर कर ले जाने के बाद जहाँ इकट्ठा करती हैं वहाँ निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ टोपोग्राफी निर्मित होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सुमेलित कीजिए मैच द फॉलोइंग, पर्वत श्रेणी और देश। काकेशस मध्यवर्ती यूरोप सेंट्रल यूरोप, एपेनाइन दक्षिण पूर्व अफ्रीका साउथ ईस्ट अफ्रीका, ऑप्शन सी ड्रेकन्सबर्ग इटली,
और डी आल्पस रूस। आपको इनको सुमेलित करना है कि कौन सी पर्वत श्रेणी किस देश में लोकेटेड है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4321, ऑप्शन बी 4321, काकेशस, काकेशस रूस में स्थित है। दूसरा एपेनाइन, एपेनाइन इटली में स्थित है, दूसरा इटली में स्थित है। ड्रेकन्सबर्ग, ड्रेकन्सबर्ग आपको दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। और आल्पस मध्यवर्ती यूरोप यानी कि सेंट्रल यूरोप में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट वन, महासागरों के जल की मध्यवर्ती परत को थर्मोक्लाइन परत कहा जाता है। द इंटरमीडिएटरी लेयर ऑफ ओशियन वाटर इज कॉल्ड थर्मोक्लाइन लेयर। स्टेटमेंट टू, इस परत में गहराई बढ़ने के साथ तापमान तेजी से बढ़ता है। द टेम्परेचर इंक्रीजेज रैपिडली एज द डेप्थ इंक्रीजेज इन दिस लेयर। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। महासागरों के जल की मध्यवर्ती परत को थर्मोक्लाइन परत कहा जाता है, जो कि सही स्टेटमेंट है। और इस परत में गहराई बढ़ने के साथ तापमान में तेजी से कमी आती है। बिल्कुल जो इंटेलिजेंस गैस होता है उस पर ही बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको इतना पता होगा, जैसे जैसे पानी में गहराई में जाएंगे तो उसके टेम्परेचर में कमी आएगी। पानी ठंडा होगा नीचे का, ना कि गर्म होगा। और हमारे स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि तेज़ी से तापमान बढ़ता है, जबकि यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तापमान में तेज़ी से कमी आएगी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट वन, सूक्ष्म जीवों को वियोजक भी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डिमो डीकम्पोजर्स। ऑप्शन बी। स्टेटमेंट टू, सूक्ष्म जीवों में कवक, बैक्टीरिया तथा वायरस शामिल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटेन फंजाई, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। सूक्ष्म जीवों को वियोजक भी कहते हैं। सूक्ष्म जीवों में केवल कवक तथा बैक्टीरिया सम्मिलित होते हैं। वायरस सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि वायरसों को गुणन करने के लिए किसी सजीव शरीर की आवश्यकता होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो कॉल्ड डिकम्पोजर्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटेन ओनली फंजाई एंड बैक्टीरिया। वायरसेस डू नॉट कम अंडर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ए लिविंग बॉडी इज नीडेड टू मल्टीप्लाई वायरस। यानी कि वायरसेस जो होते हैं उनको म्यूटेशन के लिए किसी बॉडी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि किसी सजीव वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो किसी मनुष्य का हो या किसी अन्य जीव जंतु की बॉडी हो, उसी की उनको आवश्यकता पड़ती है मल्टीप्लिकेशन के लिए, वरना वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। जैसे ही वो किसी सजीव की टच में आते हैं या सजीव के स्पर्श में आते हैं तो वो तभी वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट वन, जीव स्वपोषित तथा परपोषित दोनों प्रकार के होते हैं। ऑर्गेनिजम्स आर बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। स्टेटमेंट टू, पादप केवल स्वपोषित होते हैं, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक ओनली। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इस साइंस एंड टेक का जो पोर्शन स्पेशली EPFO में और UPSC IAS में जो पूछा जाएगा इस बार, इस साल के लिए स्पेशली 2021 के एग्जाम्स के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा बायोलॉजी पर, और बायोलॉजी में भी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का पार्ट्स पर, और जो वायरस से होने वाली बीमारियां हैं या वायरसेस, DNA, RNA, इन सारे टॉपिक्स पर आप एकदम थोरो स्टडी कीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं साइंस एंड टेक के पोर्शन में, EPFO के एग्ज़ाम्स में भी और UPSC IAS के एग्ज़ाम्स में भी। जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से आपको पता ही होगा, कोविड की वजह से इन एरियाज को बहुत ज़्यादा UPSC फोकस करेगी। अगला इसका सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन सी दोनों, जीव स्वपोषित तथा परपोषित दोनों प्रकार के होते हैं और पादप केवल स्वपोषित होते हैं। साइनोबैक्टीरिया तथा ई क्लोरोटिका, ई कोलाई, जीव स्वपोषित जीव का उदाहरण है, जिसे ई कोलाई कहते हैं, ई कोलाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी धातु पूर्णतः संक्षारण मुक्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कम्प्लीटली कोरोजन फ्री, यानी कि किसी में उसमें धातु में संक्षारण नहीं होता है, गलती नहीं है। ऑप्शन ए तांबा कॉपर, ऑप्शन बी लोहा आयरन, ऑप्शन सी चांदी सिल्वर, या ऑप्शन डी प्लेटिनम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्लेटिनम।
स्वर्ण व प्लेटिनम ऐसी धातुएं हैं जो पूर्णतः संक्षारण मुक्त हैं, इसलिए इनका सर्वाधिक उपयोग आभूषण निर्माण में होता है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी फार्मिक अम्ल या ऑप्शन डी बेंजोइक अम्ल। विच एसिड इज यूज इन फोटोग्राफी, ऑक्जेलिक, सिट्रिक, फार्मिक या बेंजोइक? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड HOOC COOH का प्रयोग कपड़ों से स्याही के धब्बे हटाने में, चमड़े के व्यंजक के रूप में तथा फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से सही कथन चुनिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट वन, पादप विषाणुओं में केवल RNA पाया जाता है। इन प्लांट वायरसेस ओनली RNA इज फाउंड। स्टेटमेंट टू, जंतु विषाणुओं में केवल DNA पाया जाता है। इन एनिमल वायरसेस ओनली DNA इज फाउंड। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक, पादप विषाणुओं में केवल RNA पाया जाता है। RNA पाया जाता है, जंतु विषाणुओं में DNA या कभी कभी RNA पाया जाता है, यानी कि जंतु विषाणुओं में DNA भी पाया जाता है और कभी कभी RNA भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमने कुछ इंक्लूड किए हैं करंट के। शंघाई सहयोग संगठन के संबंध में सही कथन चुनिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग SCO। स्टेटमेंट वन, इसकी 2020 के संस्करण की मेज़बानी भारत द्वारा वर्चुअल रूप में की गई थी। इट्स 2020 एडिशन वाज होस्ट बाय इंडिया वर्चुअली। स्टेटमेंट टू, इस संगठन का मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन बीजिंग चाइना। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी कोई नहीं। आई होप आपने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। भारत शंघाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों के आभासी शिखर के सम्मेलन की मेज़बानी की भारत ने। शंघाई और कॉपरेशन संगठन या शंघाई समझौता एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है, जिसके निर्माण की घोषणा 15 जून 2001 को शंघाई चाइना में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 के संबंध में सही कथन चुनिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। स्टेटमेंट वन, भारत का 2020 के सूचकांक में 94वां स्थान है। इंडिया रैंक्स 94th इन द 2020 इंडेक्स। स्टेटमेंट टू, भारत अपने पड़ोसी देशों में चीन के अलावा सभी देशों से आगे है। इंडिया इज अहेड ऑफ ऑल द नेबरिंग कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक, भारत इस सूचकांक में अपने पड़ोसी देशों में अफगानिस्तान के अलावा सभी देशों से पीछे है। इंडिया लैग्स बिहाइंड ऑल द कंट्रीज एक्सेप्ट अफगानिस्तान इन इट्स नेबरिंग कंट्रीज इन दिस इंडेक्स। यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी इस इंडेक्स में इंडिया पीछे है, नेपाल से भी पीछे है, म्यांमार से, सभी कंट्रीज से सिवाय अफगानिस्तान के सभी कंट्रीज से पीछे है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, आसन संरक्षण रिजर्व के संबंध में सही कथन चुनिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आसन कंजर्वेशन रिजर्व। ये अक्टूबर में बहुत न्यूज़ में था, ये कंजर्वेशन रिजर्व अक्टूबर में न्यूज़ में था, तो इसलिए यहाँ से हमने क्वेश्चन पुट अप किया है। ये संरक्षण केंद्र उत्तराखंड राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित है। दिस कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। स्टेटमेंट टू, यह उत्तराखंड राज्य का पहला रामसर स्थल है। इट इज द फर्स्ट रामसर साइट इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल दो। ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जिले के पास यमुना नदी के तट पर स्थित है। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर नियर देहरादून डिस्ट्रिक्ट इन गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। यह उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में किस खाड़ी देश ने इसराइल के साथ कूटनीतिक संबंध बनाने की घोषणा की है? किसी भी खाड़ी देश में, जैसे कि वेस्ट एशिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और वेस्ट एशिया ग्लोबल पॉलिटिक्स में ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, इसीलिए भारत सहित सभी देशों की नज़र
वेस्ट एशिया पर रहती है। तो वेस्ट एशिया में गल्फ कंट्रीज शामिल हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा मिडिल ईस्ट, जैसे अमेरिका द्वारा इसे मिडिल ईस्ट का नाम दिया जाता है गल्फ एरियाज को, मिडिल ईस्ट का। तो यहाँ ये एरिया लगातार सुर्खियों में रहता है क्योंकि यहाँ स्टेबलाइजेशन नहीं रह पाता, डिस्टेबल रहता है ये एरिया। और दूसरी चीज़ ये है कि ये भारत की भी पेट्रोलियम दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि और रणनीतिक दृष्टि दोनों ही दृष्टि से ये एरिया बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए भारत के पर भी इसके संबंधों का असर पड़ता है। और जैसे कि आपको पता होगा गल्फ कंट्रीज सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, तो इनका इसराइल से संबंध बिल्कुल नहीं है, इसराइल को ये मान्यता नहीं देते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं वैश्विक देश के रूप, एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी है। लेकिन हाल ही में एक देश द्वारा, गल्फ कंट्रीज द्वारा इसराइल को मान्यता दी गई है, इससे जियोपॉलिटिक्स में थोड़ी स्थिरता आएगी। आगे आगे हो सकता है कि और भी देश इसको मान्यता दें, तो वेस्ट एशिया जैसे स्टेबलाइज होगा तो सारे ही पूरे विश्व के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसका स्टेबलाइज होना, इसलिए ये एरिया बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं यूपीएससी द्वारा, अक्सर यहाँ से वेस्ट एशिया से संबंधित क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन प्री में ज़रूर पूछा जाता है। तो रिसेंटली विच गल्फ कंट्रीज हैज अनाउंस्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इसराइल? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी कतर, या ऑप्शन डी संयुक्त राज्य, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बहरीन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारत का किस देश के साथ डेमचोक क्षेत्र विवाद है? इंडिया हैड डैमचोक सेक्टर डिस्प्यूट विद विच कंट्री? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी पाकिस्तान। उसका सही आंसर है ऑप्शन सी चाइना। डैमचोक सेक्टर एक विवादित क्षेत्र है जो डैमचोक लद्दाख और लद्दाख के गांवों पर केंद्रित है, जो चार्जिंग नाले और सिंधु नदी के संगम के पास स्थित है। द डैमचोक सेक्टर इज ए डिस्प्यूटेड रीजन सेंटर्ड ऑन द विलेजेस ऑफ डैमचोक लद्दाख एंड सिचुएटेड नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द चार्जिंग नाला एंड इंडस रिवर। ये भारत और चीन के बीच बड़े चीन भारतीय सीमा विवाद का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस लेखांकन संकल्पना के अंतर्गत, यहाँ से हमारे अकाउंट्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं, किस लेखांकन संकल्पना के अंतर्गत व्यापार की परिसंपत्तियों का अभिलेखन व प्रतिवेदन करते समय स्वामी की परिसंपत्ति यानी कि जो व्यापार बिजनेस का ऑनर है उसकी परिसंपत्तियों की गणना नहीं की जाती है? ये किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत किया जाता है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट द एसेट्स ऑफ द ऑनर आर नॉट कैलकुलेटेड वाइल रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस? यानी कि जब बिजनेस के रिकॉर्ड की रिपोर्टिंग की जाती है, यानी कि एसेट्स के रिकॉर्ड किए जाते हैं और रिपोर्टिंग की जाती है, तो उसमें जो ऑनर है, बिजनेस का ऑनर है, उसके एसेट्स को नहीं कैलकुलेट किया जाता है। तो ये ऐसा किस संकल्पना के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए मुद्रा मापन संकल्पना, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी पूर्ण प्रस्तुतिकरण संकल्पना, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, ऑप्शन सी व्यापारिक इकाई संकल्पना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ऑप्शन डी रूढ़ी बाध्यता संकल्पना या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। उसका सही आंसर है ऑप्शन सी व्यापारिक इकाई संकल्पना यानी कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस संकल्पना के अनुसार व्यवसाय को अपने स्वामी से पृथक या स्वतंत्र इकाई माना जाता है, अर्थात लेखांकन के उद्देश्य से व्यवसाय व उसके स्वामी दो पृथक अस्तित्व वाली इकाइयां माना जाएगा। इसी कारण व्यापार की परिसंपत्तियों व देनदारियों का अभिलेखन व प्रतिवेदन करते समय स्वामी की व्यक्तिगत परिसंपत्तियों व देयताओं की गणना नहीं की जाती। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ए बिजनेस इज कंसिडर्ड ए सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर, दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग द बिजनेस एंड इट्स ऑनर विल बी कंसिडर्ड एज टू सेपरेट एंटिटीज ऑफ एग्जिस्टेंस। फॉर दिस रीजन द ऑनर्स पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट कैलकुलेटेड वाइल रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, मुद्रा मापन संकल्पना के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। स्टेटमेंट वन, इस संकल्पना के अंतर्गत लेन देनों का अभिलेखन मौद्रिक तथा भौतिक दोनों इकाइयों में किया जाता है। अंडर दिस कॉन्सेप्ट ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन बोथ मॉनिटरी एंड फिजिकल यूनिट्स। स्टेटमेंट टू, इस संकल्पना के अंतर्गत संगठन की प्रतिष्ठा, मानव संसाधन की योग्यता आदि की गणना भी की जाती है। अंडर दिस कॉन्सेप्ट द रेप्यूटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मेरिट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एटसेट्रा आर ऑल्सो कैलकुलेटेड। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा आंसर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं।
वो सभी लेन देन या घटनाएं जिनको मुद्रा के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, जैसे प्रबंधक की नियुक्ति या संगठन के मानव संसाधन की योग्यताएं, संगठन की प्रतिष्ठा आदि महत्वपूर्ण सूचनाएं व्यापार के लेखांकन अभिलेखों में स्थान प्राप्त नहीं करती हैं। यानी कि मुद्रा माप संकल्पना का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि लेन देनों का अभिलेखन केवल मौद्रिक इकाइयों में ही किया जाता है, ना कि भौतिक इकाइयों में। क्या इसका मतलब यह है कि इस संकल्पना के आधार पर केवल उन्हीं वस्तुओं का यानी कि उन्हीं इकाइयों का मापन किया जाएगा जिनकी मौद्रिक वैल्यू होती है, जैसे कि कोई कार हो उसका मूल्य, किसी कंप्यूटर की खरीद का मूल्य, या किसी बिल्डिंग को खरीदा गया है तो उसका, इन सब चीज़ों का एक मौद्रिक मूल्य होता है। तो इन्हीं इकाइयों को ही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इज दैट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ओनली इन मॉनिटरी यूनिट्स, नॉट इन फिजिकल यूनिट्स। यानी कि ये जो सब फिजिकल यूनिट्स, यानी कि प्रबंधक की नियुक्ति एक तरह की फिजिकल यूनिट है, किसी संगठन का मानव संसाधन, उसकी की योग्यता यानी कि किसी की क्वालिफिकेशन, उसकी आप कैलकुलेशन, उसकी आप मॉनिटरी वैल्यू नहीं निकाल सकते। किसी की भी क्वालिफिकेशन की कोई मॉनिटरी वैल्यू नहीं होती है। इसी तरह संगठन की प्रतिष्ठा, किसी की इमेज या रेपुटेशन, वो एक मौद्रिक वैल्यू नहीं है, उसकी एक मौद्रिक वैल्यू नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से किस लेखांकन संकल्पना के अनुसार ऐसा माना जाता है कि व्यापार लंबे समय तक चलता रहेगा? अकॉर्डिंग टू द विच टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स इट इज बिलीव दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठता संकल्पना, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑप्शन बी सतत व्यापार संकल्पना, गोइंग बिजनेस कॉन्सेप्ट, या सस्टेनेबल बिजनेस कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है इसको। ऑप्शन सी लागत संकल्पना, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ऑप्शन डी लेखांकन अवधि संकल्पना, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सतत व्यापार संकल्पना, गोइंग बिजनेस कॉन्सेप्ट या सस्टेनेबल बिजनेस कॉन्सेप्ट। इस संकल्पना के अनुसार ऐसा माना जाता है कि व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा, और ये भी कहा जा सकता है कि उसका परिसमापन पूर्वानुमानित भविष्य में नहीं किया जाएगा, यानी कि उसका लिक्विडेशन आने वाले भविष्य में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39। लेखांकन अवधि संकल्पना के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। स्टेटमेंट वन, इस संकल्पना के अनुसार लेखांकन अवधि सामान्यतः एक वर्ष की होती है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द अकाउंटिंग पीरियड इज यूजुअली वन ईयर। स्टेटमेंट टू, इस संकल्पना के अनुसार एक निश्चित अवधि में व्यापार की वित्तीय स्थिति का पता चलता है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज रिवील्ड। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। लागत संकल्पना के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। स्टेटमेंट वन, लागत संकल्पना में परिसंपत्ति का मूल्य बाजार मूल्य पर अभिलेखित किया जाता है। इन द कॉस्ट कॉन्सेप्ट द वैल्यू ऑफ द एसेट इज रिकॉर्डेड एट द मार्केट प्राइस। स्टेटमेंट टू, लागत संकल्पना में उन सभी व्ययों को शामिल किया जाता है जो परिसंपत्ति को काम में लाने योग्य बनाने के लिए किए जाते हैं। द कॉस्ट कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड टू मेक द एसेट वर्केबल। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल दो। क्रय मूल्य में परिसंपत्ति का प्राप्ति मूल्य, परिवहन व्यय, स्थापना व्यय व किए गए व्यय सम्मिलित होते हैं जो उस परिसंपत्ति को काम में लाने योग्य के बनाने के लिए किए जाते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ की जो लागत मूल्य होता है उस पर कंपनी ट्रांसपोर्टेशन खर्च भी जोड़ती है, उसका रेंट भी जोड़ती है, उसको बनाने में मजदूरी जो आती है, मजदूर जो मैन्युफैक्चरिंग जो लेबर काम करती है उसका खर्च भी जोड़ती है, और अपना प्रॉफिट भी जोड़ती है। वो उसका प्रॉफिट नहीं सॉरी प्रॉफिट नहीं जोड़ा जाता है। इन सारी सब चीज़ों को जोड़ने के बाद या जो इंटरेस्ट उस पर खर्च होता है उसका, इस चीज़ को बनाने के लिए जो लोन लिया है कंपनी ने उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है उसको भी सारा चीज़ें जोड़ने के बाद वो उस अपना कॉस्ट निकालती है, फिर प्रॉफिट जोड़कर उसको मार्केट में बेचती है। तो क्रय मूल्य में ये सारी चीज़ें प्रॉफिट के अलावा बाकी सारे खर्च शामिल होते हैं। इस संकल्पना के अनुसार लागत की प्रकृति ऐतिहासिक है। यानी कि लागत मूल्य कौन सा मूल्य होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक घर खरीदा आज 2021 में 18 मार्च 2021 को आपने एक घर खरीदा, और जो लागत मूल्य अकाउंटिंग बैलेंस शीट के अंदर जो इंक्लूड होगा वो आज का मूल्य होगा, और उस आपको आने वाले 10 साल बाद भी आज ही के मूल्य पर उसको कंसिडर किया जाएगा। यानी कि वो बिके कितने भी रेट पर, लेकिन खर्च जो माना जाएगा अकाउंटिंग ऑडिट में जो खर्च माना जाएगा, मान लीजिए आपने एक 10 लाख का कोई घर लिया 10 लाख का आज की डेट में, और अगर 10 आने वाले 10 साल बाद आप उसे बेच रहे हैं 2031 में,
ऑडिट में आपको यही माना जाएगा, कंपनी द्वारा जो ऑडिट ऑफिसर होगा वो यही कंसिडर करेगा कि ये 10 लाख का खरीदा था, अब इसको 1 करोड़ का बिक रहा है तो 90 लाख का प्रॉफिट है। अब उसको मार्केट वैल्यू के हिसाब से कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि मार्केट वैल्यू जो होती है वो फ्लक्चुएबल होती है, वो फ्लक्चुएट होती है। हो सकता है कि मार्केट वैल्यू कम हो जाए, ये भी हो सकता है कि, जबकि ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर केस में होता है। ये 10 लाख का आपने घर लिया, वो 10 साल बाद 9 लाख का रह जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, बहुत रेयर केस में होता है। लेकिन फिर भी वो आपको 10 ही लाख का कंसिडर किया जाएगा, और अगर ऐसा हो जाता है कि वो 9 लाख का बिके तो उसमें 1 लाख का आपको लॉस माना जाएगा। इस संकल्पना के अनुसार लागत की प्रतिकृति ऐतिहासिक है, जो कि परिसंपत्ति की प्राप्ति की तिथि को भुगतान की गई राशि द्वारा व्यक्त की जाती है, तथा ये वर्षों के अंतराल में भी बदलती नहीं है। दूसरी ओर बाजार मूल्य पर अभिलेखन विश्वसनीय नहीं होगा, क्योंकि बाजार मूल्य में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ से हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। निम्न अधिनियमों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कारखाना अधिनियम, फैक्ट्रीज एक्ट, कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, बाल एवं किशोर श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम, चाइल्ड एंड एडोलिसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है कि कौन सा अधिनियम पहले बनाया गया था। आई होप आपने आंसर कमेंट अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2314, कारखाना अधिनियम 1948 में बनाया गया है, कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923 में बनाया गया है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में बनाया गया है, और बाल एवं श्रम किशोर अधिनियम 1986 में बनाया गया है, इसे 1948 में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से सही कथन चुनिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट वन, पहला कारखाना अधिनियम 1881 में आया, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट केम इंटू एग्जिस्टेंट इन 1881। स्टेटमेंट टू, बॉम्बे कॉटन डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर इन चीफ मूर ने 1872-73 में अपनी रिपोर्ट में सबसे पहले कारखाना मजदूरों की कठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित किया। बॉम्बे कॉटन डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर इन चीफ मूर फर्स्ट ड्रिव अटेंशन टू द हार्डशिप्स ऑफ द फैक्ट्रीज वर्कर ऑफ इन इन हिज रिपोर्ट इन 1872-73। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, कारखाना अधिनियम 1948 के संबंध में सही कथन चुनिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। स्टेटमेंट वन, इस अधिनियम के अनुसार कारखाना उस स्थान को कहा जाएगा जहां 15 लोग कार्य करते हैं तथा कार्य शक्ति की सहायता से किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द फैक्ट्री विल बी कॉल्ड द प्लेस वेयर 15 पीपल वर्क एंड द वर्क इज डन विद द हेल्प ऑफ पावर। पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी या मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी और मशीनरी। स्टेटमेंट टू, बिना शक्ति की सहायता से कार्य करने वाले स्थान पर 20 लोग होने पर उसे कारखाने की श्रेणी में रखा जाएगा। यहाँ शक्ति का मतलब इलेक्ट्रिसिटी या फिर मशीनरी है। If there are 20 people working without the help of power, such place will be considered as factory. ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल दो। कारखाना जहां काम करने वालों की संख्या 10 है और वहां निर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से होती है, तथा यदि शक्ति की सहायता के बिना काम करने वालों की संख्या 20 है तो उन स्थानों को कारखाना माना जाएगा। कारखाना अधिनियम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अधिनियम के अनुसार कारखाने की जो फैक्ट्री की परिभाषा है उसमें बताया गया है कि जहां पर 10 लोग कार्य करते हैं और वहां पर कार्य, जिस स्थान पर कार्य 10 लोग करते हैं और उस स्थान पर कार्य किसी मशीनरी और इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से होता है, तो ऐसे स्थान को कारखाना माना जाएगा। और यदि बिना मशीनरी और इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से होता है लेकिन 20 लोग, कम से कम 20 लोग कार्य करते हैं, तो भी उसे कारखाने की श्रेणी में रखा जाएगा। और इसके अलावा भी अगर राज्य चाहे तो वो अपने अनुसार इसमें नियम में कमी या बढ़ोतरी कर सकता है, यानी कि 20 लोगों से कम होने पर भी उसे कारखाने की श्रेणी में रखा जा सकता है, यह राज्य के विवेक पर निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44, औद्योगिक विकास को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज जनरली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, यानी कि हाउ में कितने चरणों में होना चाहिए, वैसे कितने फेजेस में बांटा गया है। ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी चार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तीन। सुविधा की दृष्टि से औद्योगिक विकास के इतिहास को 3 भागों में बांट सकते हैं,
प्रारंभिक काल 1850 से 1918 तक, जो इसे प्रिलिमिनरी स्टेज कहा जाता है। दूसरा है प्रगति काल या डेवलपमेंटल पीरियड 1919 से 1945 तक। और तीसरा है पूर्ण प्रवणता एवं स्वतंत्रायोत्तर काल, मैच्योरिटी एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड 1946 से अब तक। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, औद्योगिक विवाद के संबंध में समझौता बोर्ड, औद्योगिक विवाद के संदर्भ में समझौता बोर्ड के संबंध में सही कथन चुनिए। विद रिगार्ड टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बोर्ड ऑफ कंसिलेशन। स्टेटमेंट वन, बोर्ड के सदस्यों की अधिकतम संख्या 5 होगी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स विल बी 5। स्टेटमेंट टू, बोर्ड के आधे से अधिक सदस्यों से मिलकर कोरम का गठन होगा, ए कोरम विल बी फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन हाफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। स्टेटमेंट थ्री, बोर्ड का अध्यक्ष नियोजक तथा कर्मकार दोनों में से किसी से संबंधित नहीं होगा, द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड शैल नॉट बी रिलेटेड टू ईदर द एम्प्लॉयर और द वर्कर। ऑप्शन ए के 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 और 3। बोर्ड के सदस्यों की संख्या या तो 3 या 5 अर्थात सदैव विषम होगी, यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंसिलेशन है उसमें बोर्ड मेंबर्स की संख्या या तो 3 होगी या 5 होगी या 7 होगी, लेकिन इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है, और जबकि स्टेटमेंट 1 में बताया गया था कि अधिकतम संख्या 5 होगी, ऐसा नहीं है, अधिकतम संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। बोर्ड का अध्यक्ष किसी भी पक्ष का प्रतिनिधित्व ना करने वाला पूर्ण रूप से स्वतंत्र व्यक्ति होगा, उसकी नियुक्ति समुचित सरकार अपने विवेक से करेगी। यदि बोर्ड में 5 सदस्य हैं तो 3 सदस्यों से कोरम का गठन होगा, यदि बोर्ड में 3 सदस्य हैं तो कोरम का गठन 2 सदस्यों से होगा, अर्थात आधे से अधिक सदस्य कोरम का गठन करेंगे। द नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स विल बी ईदर 3 और 5 इज ऑलवेज ओल्ड, मैक्सिमम नंबर्स आर नॉट मैंशनड। और इसी तरह कोरम, इफ द बोर्ड हैज 5 मेंबर्स देन कोरम विल बी फॉर्म फ्रॉम 3 मेंबर्स, एंड इफ द बोर्ड हैज 3 मेंबर्स देन कोरम विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम 2 मेंबर्स, मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स विल कॉन्स्टिट्यूट ए कोरम। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको मॉक टेस्ट कैसा लगा, और कुछ इंप्रूवमेंट हो तो आप अपने सजेशंस दे सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में, हम इंप्रूवमेंट करने की भी कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।